आर्यन खान को आथर रोड जेल के अंदर ले जाया जा रहा है। ये मेन गेट है और उसके अंदर ये गाड़ी दाखिल हो चुकी है। मेडिकल जांच कराया गया था, उसके बाद ही सीधा आर्यन खान को शाहरुख खान के बेटे, बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे, और ये देखिए ये और तमाम जो आरोपी हैं, एक एक करके सभी आरोपियों को जेल के अंदर, आर्थर रोड जेल के अंदर ले जाया जा रहा है। सबसे पहले आर्यन खान की गाड़ी थी, उसको जेल के अंदर ले जाया गया, उसके बाद अरबाज समेत ये जो आरोपी हैं, सभी जो 8 आरोपी थे उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उसमें जो मेल कैदी है उनको आर्थर रोड जेल में रखा जा रहा है, जबकि आज जो महिला कैदी है उनको भाईकुला जेल में रखा गया है। भारी सुरक्षा के बीच इनको लाया गया। जेल प्रशासन आप देख पा रहे हैं, जो आर्थर रोड का जेल प्रशासन है वो एक एक करके जो तमाम गाड़ियां हैं उसकी एंट्री करा रहा है। लेकिन जो सबसे पहली गाड़ी थी जिसमें आर्यन खान की हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, बड़ी खबर है, बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, जिसको कल अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा था, उन्हें अब आर्थर रोड जेल, ये मुंबई का आर्थर रोड जेल, इसमें भेजा गया है। यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इसी आर्थर रोड जेल में रहेंगे, यही अब उनका ठिकाना होगा। अगर जमानत मिल जाती है तो यहाँ से वो सीधा घर जाएंगे, अगर जमानत की अर्जी खारिज हो जाती है तो इसी आर्थर रोड जेल में बंद रहेंगे। ये जो गाड़ी थी इसी गाड़ी में आर्यन खान को लाया गया था और तमाम आरोपियों को एक एक करके ये गाड़ी अंदर दाखिल हो रही है, और जिस तरीके से जेल मैनुअल है उस जेल मैनुअल के हिसाब से इन सभी की जाँच की जाएगी, उसके बाद इनको बैरक जो है वो अलॉट किया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान वो अब मुंबई के आर्थर रोड जेल पहुंच चुके हैं, जिस तरीके से कल अदालत ने उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा था, उसके बाद से देखिए यहां पर गहमा गहमी है। मुंबई पुलिस के जवान है, ये जेल प्रशासन से जुड़े लोग हैं, और जैसे ही आपको बता दूं गाड़ी आई थी मेडिकल परीक्षण के बाद, सबसे आगे बैठे थे आर्यन खान, जो अब ये जेल अब उनका ठिकाना होगा। इस पूरे गेट को बंद करने की यहाँ पर प्रक्रिया तेजी से चल रही है, और काफी सामान्य से दिख रहे थे आर्यन खान जब उनको इस आर्थर रोड जेल लाया गया। कुल मिलाकर 8 आरोपियों को कल ही न्यायिक हिरासत में भेजा गया। लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को इसी आर्थर रोड जेल में भेज दिया गया है। हालांकि कल ही जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था, लेकिन चूंकि जेल के दरवाजे बंद हो गए थे, मुंबई जेल कंट्रोल के मेडिकल जांच कराने के बाद आर्यन खान को इसी आर्थर रोड जेल के अंदर दाखिल करा दिया गया। अब जेल के अंदर वो प्रक्रिया होगी, उसके बाद इसी जेल में शाहरुख खान के बेटे, बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इसी आर्थर रोड, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आर्थर रोड जेल में रहेंगे। जेल के बाहर आप हैं, किस तरह की गहना जमी है, अब से कुछ देर पहले इसी तरफ से बकायदा जो गाड़ी थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, मुंबई पुलिस की, वो तमाम उन मेल कैदी को लेकर यहाँ पर पहुँचती है, और यहाँ से सीधा इसी गेट से, आर्थर रोड के इसी गेट से गाड़ी जिसमें आर्यन खान बैठे हैं वो दाखिल होती है, और उसके बाद अंदर आर्यन खान चले जाते हैं। हालांकि बहुत सामान्य दिख रहे थे, परेशानी चेहरे पर साफ दिख रही थी, क्योंकि अभी तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में जो आर्यन खान थे वो, लेकिन अब इसी जेल में आर्थर रोड के जमानत मिल जाती है तो आसानी से इस जेल से वो आज अपने घर जा सकते हैं। अगर जमानत अर्जी खारिज हो जाती है तो इसी जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है, बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं मुंबई के इसी आर्थर रोड जेल में। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर से उन्हें निकाला गया, जेजे अस्पताल में तमाम जो 8 कैदी थे उनका बकायदा मेडिकल टेस्ट कराया गया। टेस्ट कराने के बाद सबसे पहली जो गाड़ी थी जिस आगे की तरफ जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान बैठे हुए थे, गाड़ी यहां पर पहुंचती है, और यहां जो आर्थर रोड का जो मेन एंट्री गेट है, इस मेन एंट्री गेट से अंदर दाखिल हो जाती है। साफ है जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान है उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी, क्योंकि अभी तक वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में मौजूद थे जहां उन्हें खाना पानी बहुत आसानी से कपड़े मिल जा रहे थे, लेकिन अब इस जेल के अंदर रहेंगे और जेल जो मैनुअल है उनको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन निगाहें अब शाहरुख खान के पूरे परिवार की वो अदालत की तरफ है जहां पर जिरह हो रही है। अगर वहां जमानत मिल जाती है तो वो घर जाएंगे, लेकिन अगर जमानत अर्जी खारिज हो जाती है तो वो इसी जेल में आर्थर रोड जेल में बने रहेंगे।